तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है वीके स्टडी चैनल में। हाँ दोस्तों, आज हम लोग की इस वीडियो में क्लास टेंथ के मैथ की एक एक क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर में कौन सा चैप्टर था, वास्तविक संख्या। ठीक, तो इसमें हम लोग का जो पहला एक्सरसाइज है क्या है, 1.1, जिसका हम लोग आज करेंगे पहला क्वेश्चन। ओके, तो आइए करते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका पहला इसमें क्वेश्चन दिया क्या दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए बोला है। ठीक है, ताकि देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करने के लिए क्या पता होना चाहिए, एक एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक प्रमेय होता है। ठीक है ना, तो देखिए दिखाते हैं क्या होता है आपका, वो भी कुछ खास नहीं होता है, यानी जो हम लोग होता है एक होता है कौन सा यूक्लिड, देखिए आपका ये रहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर मैं पहले के बाद देख लिया जाए क्या होता है। ठीक, उसके बाद किया जाएगा, देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक है, हमें इसको दिखाना है। ओके, ताई देखते हैं। देखिए जो आपका ये प्रमेय होता है कुछ खास नहीं, एक तरह से इसको जो बोलता है हम लोग, देखिए जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग का होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, यानी नियम होता है उसी का। ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम ये होता है, यही उसका प्रमेय है, बस यही कुछ खास नहीं यही होता। ठीक, जिसमें हम लोग का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके, जहाँ पर जिसमें हम लोग का होता है जिसमें जहाँ पे आर का जो मान होता है ना वो जीरो से बड़ा होता है या फिर जीरो की कुल हो सकता है। ठीक, और जो आर का मान होता है हमेशा लेस देन होता है किस से, बी से, हमेशा जो आर का मान हम लोग होगा हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा। थोड़ा इसमें कंडीशन होता है ना, क्वेश्चन लगाना। ओके, तई देखते हैं। देखिए जब का पहला क्वेश्चन में दिया 135 और 225 का हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो एचसीएफ तो आप लोगों को सभी लोगों को पता ही होगा एचसीएफ क्या होता है, जैसे क्या देख रहे हैं एचसीएफ क्या होता है। जैसे कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका 15 दे दिया, ठीक, और फिर एक दे दिया 25। ठीक है, बोल दिया कि इसका एचसीएफ निकालिए, यानी 15 और 25 का बोल दिया एचसीएफ निकालिए, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो इसमें क्या होता है, पहले एक बार 15 का अलग निकाल देंगे हम, गुणनखंड कर देंगे, तो 3 5 15 कटेगा और 5 से एक बार कट गया। ठीक, अब फिर इसका लिखते क्या मिला, 3 × 5 इसका हो गया। अब वैसे 25 का किया जाए गुणनखंड तो कितना हो जाएगा, 5 25 5 5। ठीक, तो इसको लिखा जाए 5 × 5, यानी ये वाला इसका हो गया। ठीक है, कि ये इसका हो गया। ठीक है, ये तो यानी देख रहे हैं क्या हम लोग कि इसका गुणनखंड कितना हम लोग आ गया, 3 × 5 आ गया, और 25 का गुणनखंड कितना आ गया हम लोग का, 5 × 5। ठीक है, तब देखते हैं क्या एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए ऐसे अगर हम बोल दें क्या 15 और 25 का से हम एचसीएफ निकालिए, तो देखते हैं गुणनखंड करने के पश्चात ना जो इसमें कॉमन मिलता है, जैसे कि इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 फिर क्या करेंगे, 3 को छोड़ देंगे, 5 इसमें 1 है, इसमें भी 1 5 है, तो 1 5 को ले लेंगे, एंड जो कॉमन मिलेगा वही हमारा एचसीएफ बस बन जाता है। ठीक है ना, तो दोनों में दिखा 5 आया कॉमन, तो 5 हो गया हमारे हम लोग का एचसीएफ। ठीक, जैसे कि सॉरी फट गया, तो जैसे कि एक होता है काम लोग का 125 है, इसका निकाला जाए और एक निकाला जाए किसका लिया जाए, कुछ भी लिया जाए 625। ठीक है, बोल दिया कि 125 और 625 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो निकाला जाए पहले 125 का कर देंगे हम गुणनखंड है। ठीक, तो करते हैं 5 × 10 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 25, और फिर 5 से एक बार कटा अब नहीं कटेगा, जिसका कितना आ गया हम लोग का गुणनखंड करने पाया 5 × 5 × 5। ठीक, अब ऐसे निकाल जाए 625 का किया जाए गुणनखंड, तो कितना रह जाएगा 5 से पहले 5 × 5 5 × 10 5 25, ये तो सबको आता ही होगा। फिर ये करते हैं 5 × 10 5 25, यानी बस भाग करते जा रहे हैं, ये 5 से कट जाएगा फिर 5 25, फिर ये 5 से कटा एक बार में। ठीक, जिसका गुणनखंड के क्या हम लोग आया, आया 5 × 5 × 5 × 5, यानी इसमें 4 5 आया, इसमें 3 5 आया। ठीक, हमें निकालना एच सी एफ, इसका निकाल लिया जाए, तो देखेंगे इसमें एच सी एफ यानी क्या होता है, कॉमन पॉइंट।
तो इसमें एक पाँच है, इसमें भी एक पाँच है, मिल गया, दोनों में देख पाँच ले लिए। ठीक, अब फिर देखें दूसरा भी इसमें पाँच है, दूसरा भी इसमें भी पाँच है, तो भी ले लेंगे पाँच, लेकिन गुड़े में। फिर इसमें भी एक और पाँच है, इसमें भी एक और पाँच है, तो उसको भी ले लिए। ठीक, इसमें एक और पाँच है, लेकिन इसमें अब एक पाँच, एक भी पाँच नहीं है, इसलिए अब उसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक, तो बस इसी को जो गुणा कर देने पर जो हम लोग आएगा वही हमारा काला आएगा एच सी एफ। तो पाँच से पाँच गुणा किया तो कितना है, पच्चीस, अब पच्चीस गुणे पाँच 125 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एच सी एफ 125 और 625 का एच सी एफ कितना आया, 125। ठीक, तो हम लोग निकालते हैं एच सी एफ ऐसे, जो कॉमन मिलेगा कॉमन पॉइंट को लेकर लिख लेंगे, उस पर उसका गुणा कर देंगे, तो यहाँ बन जाता है क्या एच सी एफ। तो ये तो हम लोग को होता है कौन सा विधि, ये तो बहुत सरल एक विधि होता है जो कि हम लोग पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो अब हम लोग को इसमें निकालना एच सी एफ ना, उसको निकालना कैसे, तो इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके निकालना है। ठीक है, तो ये करते हैं। तो देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन दिया 135 और 225 का हमें निकालना एच सी एफ ना, ये निकालते हैं फिर। यानी पहला हमारा क्वेश्चन दे दिया 135 और 225 का हमें निकालना है एच सी एफ। ठीक है, तो ये निकालते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग क्या इसको करेंगे कि पहले इसको हमें यूज करना है किस पे, विभाजन एल्गोरिथम का ना, इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है। तो क्या होता है, हम लोग का होता है बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग इसको हल करना है। तो देखिए जब ये बोलेगा कि एच सी एफ क्या कीजिए इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके, तो बस क्या कीजिए इसको लेकर भाग कर दीजिए, छोटे से भाग करिए बड़े वाले में, तो 135 में से हम भाग कर दिए 225 में। ठीक, तो कितने बार में जाएगा भाग किया जाए, एक बार में जाएगा 135। ठीक, हम घटाते हैं ना, घटाते ही जाए, पाँच में से पाँच गया जीरो, अब बारह में से तीन घटा तो कितना, आठ, नहीं सॉरी नौ, और फिर एक तो खत्म, नौ बचा। अब देखिए 135 नब्बे भाग जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, 90 से भाग करेंगे फिर इस वाले में, एंड जितना जो शेषफल बचता जाएगा उसी शेषफल उसके भाज्य में फिर से भाग करते जाएंगे ऊपर वाले में। अब 90 से भाग करेंगे 135 में। ठीक, तो ये करते हैं, तो 90 से कितने बार में जाएगा, एक बार में भी जाएगा, दो बार में ले जाएंगे तो कितना जाएगा, 180 आ जाएगा, इसलिए हम ले जाएंगे इसको भी एक बार में। ठीक, तो एक बार में गया कितना, 90, तो घटाया जाए, पाँच में से जीरो गया पाँच, और फिर नौ में से सॉरी 13 में से नौ घटा कितना बचा, चार लोगों को बचा। ठीक है, तब फिर अब 90 से जा पाएगा 45, 90 से 45 में भाग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब क्या करेंगे, 45 से भाग कर देंगे 90 में। ठीक है, तब 45 से जाएगा कितने बार में, दो बार में, 45 दूनी 90, कट गया, यानी शेष पर कितना गया पूरा, जीरो आ गया। देखिए जब भी बोल दिया आपको इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके एच सी एफ निकाली, तो उसमें क्या करते हैं, छोटे वाले को बड़े वाले से भाग करते हैं, और तब तक उसको भाग करते रहते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से न कट जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम 135 से भाग के 225 में नहीं कटा, फिर से दोबारा किए, फिर तिबारा किए, एंड जब तक नहीं कटा, जब तक इसका शेषफल जीरो नहीं आ गया, तब तक हम इसको भाग करते रहेंगे। ठीक है, तब इसका शेषफल यहाँ पे जीरो आ गया, बस हमारा काम यहाँ पर हो गया। अब बस इसी को क्या करेंगे, हम इस रूप में लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक, दाई देखते हैं फिर हम लोग क्या होगा। तो देखिए जो हम लोग ए होता है ना, ये अब देखते हैं यहाँ पे ए क्या होता है, जैसे कि 45 से भाग के 90 में तो कट गया, दो बार में कट के प्लस इस पर जीरो आ गया। ठीक, जो हम लोग ए का मान होता है ये बीच वाला मान लेते हैं, जिसमें जो कट जाएगा, जब यहाँ पे जाकर लास्ट में कट जाएगा, उसमें से जो बीच वाला रहेगा उसको लेंगे किसके लिए, ए का मान लेंगे। ठीक है, और देखिए बी का हम लोग क्या होता है, जो हम लोग बी होता है क्या होता है, जो बी होता है हम लोग इसके लेंगे, यानी इसको ले लीजिए बी, यानी ये आपका हो गया कहाँ, बी हो गया, और ये जो आपका आया भागफल इसको क्या बोल देंगे, क्यू। ठीक, और जो आपका जो बचा शेषफल उसको बोलते हैं आर। बस इसी मान को लेकर इसमें पुट करना है, वही आपका हो गया, बस काम खत्म, वही आपका हो जाएगा कि एच सी एफ निकल गया उसका। आइए देखते हैं ए का मान कितना है, तो मान लो कि ए का मान आया ये रहा 90, 90 बराबर कितना, तो बी गुड़े क्यू, बी गुड़े क्यू क्या है हम लोग का है, बी गुड़े क्यू, ये रहा बी और क्यू, यानी 45 गुड़े दो, तो 45 गुड़े दो और प्लस आर, आर का मान क्या है इसमें, जीरो, बस और कहाँ हो गया ये, इसको क्या किया हम लोग लिख दिए यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तब देखिए हमें निकालना एच सी एफ ना,
जिससे किसको देखेंगे एंड जिससे जाकर लास्ट में कटेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच सी एफ। 45 है ना, इसमें 45 से तो 90 कट गया। आखिर में जो आखिरी में जो कटा पुरता जो शेष पर जहाँ पे जीरो आया जिससे भाग दी है वही जो लास्ट में हम लोग कराएगा वही हम लोग क्या कराएगा एच सी एफ। तो हम लोग एच सी एफ कितना गया 45। ओके हम लोग एच सी एफ आ गया 45 यानी जिससे कट जाएगा लास्ट में जाकर वही हम लोग को बन जाएगा एच सी एफ। तो ये बना हम लोग क्या निकाल दिए पहले का एच सी एफ। ओके तब आइए देखते हैं हम लोग दूसरा अपना क्वेश्चन जो दूसरा का करना है क्या 196 से हमें करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया 196 और कितना 38,220 का एच सी एफ हमें निकालना है इन दोनों का। ठीक है तय निकालते हैं फिर। तो देखिए तो क्या करेंगे पहले छोटे से भाग करेंगे बड़े वाले में। ठीक है तय करते हैं तो 196 से भाग किया जाए 38,220 है ना भाग किया जाए। तो देखते हैं पहले कितना मिला रहा है दो बार में जाएगा देखा जाए चेक किया जाए। 2 × 6 = 12 हासिल एक 2 × 18 = 19 हासिल एक 2 × 1 = 392 दो बार में नहीं जाएगा। ठीक है तो ले जाते हैं कितने बार में एक बार में कर चला जाए तीन बार में जाएगा कितने बार में 196 12 में से 6 हो गया 6। ठीक फिर यहाँ पर कितना बचा 17 17 में से 9 घटा कितना बचा 17 में से 9 घटा तो 8 बचा यही ना। ठीक है 17 में से 9 घटा तो 8 ही बचा ना। हाँ ठीक है अब फिर यहाँ पर 2 बचा 2 में से घटा तो 186। ठीक अब नहीं जा पाएगा तो क्या करेंगे ऊपर से हमारा एक अंक उतर जाएगा 2। ठीक अब कितने बार में जाएगा 18 लाने ना देखा जाए 10 बार में ले जाएंगे तो नहीं जा पाए अधिक हो जाएगा 9 बार में देखा जाए तो 9 × 6 = 4 हासिल 5 99 81 81 81 5 86 = 6 हासिल 8 9 × 9 = 8 9 × 8 = 17 1764 आएगा हम लोग का 1764 चल जाएगा 1764 9 बार में। ठीक है तो 9 बार में गया तो 12 × 4 गया तो कितना बचा 8 बचा। ठीक है ना 4 × 6 = 9 9 × 9 = 64 ठीक है तो 12 × 4 = 8 बचा और फिर यहाँ पे कितना बचा होगा 5 5 में से 6 गया तो 9 वही 15 × 15 = 9 बचा। ठीक है और फिर यहाँ 17 तो खत्म फिर उतरेगा ऊपर से 0 1980 तब जाएगा किसी से देखिए तो 5 बार में जाएगा 5 × 36 = 0 5 × 45 = 3 5 × 45 हाँ 5 बार में देखिए जाएगा आपका कट जाएगा 5 × 36 = 0 = 3 5 × 45 = 3 48 × 8 = 4 5 × 5 = 5 × 4 = 9 यानी कट गई तो आसानी था कुछ खास नहीं था। देखिए यानी हम लोग पहले भाग के 196 से 38,220 को तो पहले बार में ही कट गया। ठीक अब इसको किया जाए किस में एच सी एफ के रूप में सॉरी इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम के रूप में इसे हमें चेंज करना है। ठीक दोस्तों हम लोग क्या क्या चाहिए होता है ए का मान चाहिए होता है और क्या बी का मान फिर क्यू का मान और आर का मान। ठीक है तो ए का मान हम लोग क्या होता है बीच वाला बोलते हैं जो होता है ए का मान। ठीक है तो ए का मान कितना है 38,220 ओके और बी का मान हम लोग किसमें क्या दिया 196 और क्यू का मान 195 और आर का मान यानी रिमाइंडर कुछ नहीं तो शेष पर का है 0 है कुछ नहीं तो ले सकते हैं ना हाँ 0। अब बी सी को हम लोग का जानते हैं इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय क्या होता है होता है हम लोग का ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है बस इतना पुट करना अब पुट करिए ए का मान क्या दिया 38,220 बराबर बी का मान 196 गुणे क्यू का मान 195 प्लस आर का मान 0 बस जिससे कटा लास्ट वाला से कटा इससे कट गया पुराना तो ये हम लोग क्या मान हो जाएगा एच सी एफ आता हम लोग एच सी एफ कितना गया 196 बस कुछ नहीं था। ठीक है तो हम लोग का पहले क्वेश्चन का यानी इस पहले क्वेश्चन का दूसरा भी कर लिया तीसरा आप लोग को अपने सब घर पर करना है। ठीक है अपने से तीसरा कोशिश करिएगा हो जाएगा। ठीक और इसके अगला क्वेश्चन दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में अगला क्योंकि इसी को हम लोग इसी में कर देंगे तो हम लोग जो वीडियो क्या हो जाएगा थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको बस यहीं तक रहने दें। ठीक कल किया जाएगा इसके आगे क्वेश्चन को ओके तो बस अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता। ठीक है चलिए गुड बाय मिलते हैं अगले वीडियो में।